नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल है सारा सुखनगर को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर आने वाली वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। आज स्थानीय शासकीय नेहरू डिग्री कॉलेज में छात्र संगठनों द्वारा गत 3 मार्च को छात्रा पिंकी शर्मा के आत्महत्या के प्रयास करने व महाविद्यालय प्रशासन की असंवेदनशीलता को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। छात्र संगठनों ने छात्रा को परीक्षा में न बैठने देने को लेकर विरोध जताया है। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय के प्रोफेसर त्रितिवारी को निलंबित करने की मांग भी की है। यानी CIE एवं ABP ने कॉलेज के बाहर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जहां पुलिस ने नारेबाजी करने से रोका तो वह सड़क पर पहुंच गए और नारेबाजी कर छात्रा को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। काफी देर तक छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद अशोकनगर SDM मौके पर पहुंचे और काफी समय तक समझाने के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन को समाप्त किया। छात्र संगठनों ने मांग की है कि महाविद्यालय प्रशासन छात्रा से मिलकर मानवीय संवेदनाओं के साथ उसका हालचाल जाने और उसके हौसले को बढ़ाए, जिससे वह सदमे से बाहर आ सके। साथ ही उसके आगामी पेपर दिलवाने के लिए कदम उठाए जाए और उसके इलाज के लिए आर्थिक रूप से मदद की जाए ताकि वह स्वस्थ हो सके और महाविद्यालय में ऐसी घटना आगे ना हो। उसके लिए स्टाफ को ठोस निर्देश दिए जाएं कि वह छात्रों से सही व्यवहार करे, अन्यथा इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने पर छात्र संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसके जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा। कल एक BA तृतीय सेमेस्टर तृतीय ईयर की छात्रा जो एग्जाम देने आई थी, वो छात्रा 1 घंटे लेट हो चुकी थी। लेट होने के बाद उसको एग्जाम देने से रोका गया। छात्रा का स्टेटमेंट भी आया, छात्रा ने बोला तिवारी ने मुझे रोका। इस चक्कर में छात्रा ने जहर खाया। उस छात्रा की हालत गंभीर है। और अगर ये सिस्टम की बात करते हैं, हम महाविद्यालय में जो है आए दिन समस्याओं का दौर चलता रहता है। कोई अगर ये ड्यूटी पे थे तो आप बताइए, ये ड्यूटी पे होने के बाद भी इनने कितनी ड्यूटी की। यहाँ का सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है। छात्रा ने जहर खा लिया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि उस छात्रा को एग्जाम में बिठाया जाए, उसका वो पेपर फिर से हो, अन्यथा उसका पेपर नहीं होता हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। NSCI सड़कों पे उतरेगी, क्योंकि आज दिन की ये समस्याएं हैं महाविद्यालय। परीक्षा का भी बहिष्कार करेंगे आप लोग? परीक्षा का बहिष्कार इसलिए नहीं कर सकते, छात्राओं का जीवन का सवाल है, उनका 1 साल खराब होता है। हम इस तरीके कॉलेज प्रबंधक का आरोप है कि वो लड़की 1 घंटा 40 मिनट लेट आई थी। अगर वो 1 घंटे 40 मिनट लेट आई थी तो आप उसका दस्तावेज बताइए ना। आपके कॉलेज में CCTV कैमरा है, आप उसकी फुटेज निकाल के बताइए अगर वो लेट 1 घंटा 40 मिनट लेट आई है। जबकि छात्रा का कहना है कि वो 1 घंटे लेट आई, ठीक 1 घंटे 40 मिनट नहीं। हमारे जो उस प्राध्यापारी के केंद्राध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी, उनने मुझे बताया था कि ये बच्ची 1 घंटा 40 मिनट लेट आई है। विश्वविद्यालय का नियम है केवल आधा घंटे तक अलाउ करने का। आधा घंटे से ज़्यादा जो भी बच्चा लेट होता है उसको किसी भी परिस्थिति में अलाउ नहीं किया जाता है। वो 1.25 घंटे लेट थी, इसलिए उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। सर, थोड़ा सा व्यावहारिकता को देखते हुए कहीं ना कहीं उस छात्रा व्यावहारिकता से इसमें नहीं कर सकते। नियम है, स्थापित नियम है। किसी भी बच्चे को लेट, पिछले साल परीक्षाएं हुई है, किसी को भी लेट आधा घंटे से ज़्यादा लेट होने पर अलाउ नहीं किया गया। सर, परीक्षा व्यावहारिकता का आरोप है कि टाइम टेबल परिवर्तन हो गया था, उसको ये जानकारी नहीं थी, लेट उस टाइम टेबल में परिवर्तन हुआ था, क्या मामला है? वह बच्ची जिस कक्षा की छात्रा थी उसका टाइम टेबल लेट चेंज नहीं हुआ। 25 जनवरी को जो टाइम टेबल आया था वो अभी तक अनचेंज है। वो टाइम टेबल में डेट बढ़ी है 2nd ईयर के क्लास की और बच्ची परीक्षार्थी थी फाइनल क्लास की। सर, अभी जो यहाँ पे NSU कार्यकर्ता अभी इकट्ठे हुए हैं तो इनकी क्या मांग है, क्या कहना है? अब मेरे सामने स्पष्ट रूप से तो हमने कुछ लिख दिया नहीं है, बाकी ऐसा मोटे तौर पर वो सुन बता रहे हैं कि वो दोबारा परीक्षा आयोजन करवाने की मांग कर रहे हैं उस बच्चे के लिए। तो अगर वो हमको लिख के देते तो हम विश्वविद्यालय को भेज देंगे। इस बारे में निर्णय विश्वविद्यालय स्तर पर लिया जा सकता है, परीक्षा केंद्र पर इस बारे में कोई निर्णय नहीं हो सकता। सर, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एक छात्रा ने इतनी बड़ी हरकत की, आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके साल को बचाने के लिए आप लोग क्या मदद कर सकते हैं? BA फाइनल की छात्रा है, इस तरह का उसको मतलब निर्णय नहीं लेना चाहिए थी। कल 4 बच्चे लेट रहे हैं, अकेली वही नहीं, और भी 4 बच्चे लेट हुए तो उनको भी शामिल नहीं किया गया परीक्षा में। इस तरह का उसको नहीं करना चाहिए था, घर जाके बता के उसने खाया है। सर, अपनी तरफ से कोई प्रयास आप लोग मदद कर पाएंगे, आप प्रिंसिपल है कॉलेज की छात्रा के साथ? अगर मान लीजिए वो हमको लिख के देते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन को लिख सकते हैं, बस हमारे अधिकार क्षेत्र में है। दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लेना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
शहर की शंकर कॉलोनी में संचालित झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। बमनावर की रहने वाली राजबाई को उसके परिवार के लोग हाथ में दर्द का इलाज कराने के लिए लाए थे, जहां उसकी डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद मौत हो गई है। मृतक महिला की परिजनों ने बताया कि महिला को सुबह से हाथ में तेज दर्द हो रहा था, जिसका इलाज कराने के लिए शंकर कॉलोनी में स्थित डॉक्टर आरपी चौरसिया की निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए थे। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद महिला को घबराहट होने लगी। उसके बाद डॉक्टर ने दूसरा इंजेक्शन लगाया और महिला की मौत हो गई। इसके बाद यहाँ काफी भीड़ जमा हो गई। मामले की शिकायत देहात थाने में की गई। उल्लेखनीय है कि झोला छाप डॉक्टर आरपी चौरसिया अपने आप को MD HE लिखे हुए है और बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन नंबर डला हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है। डॉक्टर चौरसिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक बाबू के पद पर तैनात है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज खराब इलाज थे जहाँ किसके यहाँ चौरसिया डॉक्टर साहब के पास क्या हो गया था उनको हाथ जो पैर बाका दर्द कर रहा था जो बाद कितने दिनों का अभी कर लगा तो मतलब अभी आप पहली बार लाए थे इससे पहले भी लाते रहे मम्मी उन्हें एक बार और ले आए थे वर्जन ने पहली बार करा मतलब ताई को फिर क्या हुआ सुबह ने इंग्रेशन भर के इंग्रेशन था अभी तक मैं बस कहीं मेरे तो जी घबड़ा लगो डॉक्टर साहब बोले कहीं ना थोड़ी सी रोक लो कहीं बैठ लो कुछ ना ना कहीं अब हाल ठीक हो जाता सुबह ने एक और इंग्रेशन लगा था सो हम बैठ रहे थे मैं फिर कही इनको कही ले जाओ कही तो शांत हो गई अच्छा और कहा जब बोले डॉक्टर साहब फिर घर फोन लगाया भाई फिर भी भैया लोधी निवासी बमनावर के ने आके सूचना दी थी कि उसकी माँ है राजबाई जिनकी उम्र है 60 साल इलाज के लिए जोड़ों का दर्द था इलाज के लिए डॉक्टर चौरसिया की दुकान शंकर कॉलोनी पर इलाज के लिए लेकर आए थे जहाँ पर उन्होंने इलाज किया और बताना है उनका कि उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिया जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई है तो जिस पर से अपन ने मर्ग कायम करके जांच में ले लिया गया जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसके बाद अपन अग्रिम कार्रवाई करेंगे ये डॉक्टर के रजिस्टर्ड डॉक्टर थे या फिर झूला जाओ अब वो जांच में पता चलेगा क्योंकि अभी डॉक्टर यहाँ मिला नहीं है वो जहाँ भी चला गया फरार हो गया अभी यहाँ नहीं मिला प्रेजेंट अपन को अभी फिलहाल किसी को परिजनों को या किसी को पकड़ा है नहीं उनकी पत्नी अकेली है अपन उनसे पूछताछ करेंगे पहले जो मौके की अपनी जो PM वगैरह है जो मृतिक है उसकी कार्रवाई करा दें फिर अपन इनकी कार्रवाई भी करेंगे।